नमस्कार, मैं पुष्पा गुप्ता, बिहार ऑन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब का धड़ल्ले से कारोबार हो रहा। बताया जाता है कि इस धंधे में पुलिस वाले भी शामिल हैं। लिहाजा शराब का धंधा खूब फल फूल रहा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर से शराब मिलने के मामले में 3 थाना अध्यक्षों को सस्पेंड किया है। वहीं 2 SDPO से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सासाराम के मुफस्सिल थाना अध्यक्ष राकेश सिंह को निलंबित किया गया है। वहीं सासाराम के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं कैमूर के कुदरा थाना अध्यक्ष को भी शराब मिलने के मामले में निलंबित किया गया है। वहीं मोहनिया के SDPO से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। गया के रोशनगंज थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शरण को भी शराब कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। पुष्पा गुप्ता के साथ ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज़।